रसीदी टिकट भाग 3। लौटकर कई मील पीछे देखूं तो देश के विभाजन से पहले के वो दिन सामने आते हैं जब अचानक लाहौर की हवा रोमांचक अफवाहों से तल्ख हो गई थी। जिंदगी में एक ही घटना घटी थी, ब्याह हुआ था। 4 साल की उम्र में जो सगाई हुई थी वो 16 साल की उम्र होते होते परवान चढ़ी। बहुत एक साथ चल रही जिंदगी की तरह, पर साहित्यिक क्षेत्रों में बहुत ही रोमांचक कहानियां फैल गई। मालूम हुआ पंजाबी कविता में जिस कवि का नाम उस समय मान के साथ लिया जाता था उसने मुझ पर कई कविताएं लिखी हैं। ये उस समय के प्रसिद्ध कवि मोहन सिंह का नाम था, पर जिन समागमों में भी मैंने मोहन सिंह जी को देखा उनसे साधारण सी मुलाकात हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शायद उनका स्वभाव ही संजीदा और गंभीर था। मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं था, पर इर्द गिर्द फैलने वाली कहानियों से मैं खुश नहीं थी। मेरे मन में उनके लिए अपने से बड़े कवि होने के नाते एक आदर भाव था, पर इसके सिवाय कुछ नहीं। मेरा मन अपने ही भीतर से उठती हुई परछाई से घिरा था, इसलिए इर्द गिर्द की कहानियां केवल ये डर जगाती थी कि मैं गलतफहमी का केंद्र बन रही हूं। पर मोहन सिंह जी का शिष्टाचार ऐसा था कि उनको लेकर कोई शिकवा नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन संध्या के समय मोहन सिंह जी मिलने के लिए आए। उनके साथ शायद डॉक्टर दीवान सिंह थे या कोई और, अब मुझे याद नहीं है। और मालूम हुआ कि अगले दिन उन्होंने कविता लिखी जायदाद, जिसका भाव था वो दरवाजे में खड़ी खामोश एक जायदाद की तरह, एक मालिक की मिल्कियत की तरह। मेरे लिए ये मेरे मन के बहुत कठिन दिन थे। कविता की स्पष्टता मुझे बेचैन कर रही थी कि एक अच्छे भले आदमी को मेरी खामोशी गलत फहमी में डाल रही है, पर यह पता नहीं लग रहा था कि खामोशी को मैं किस तरह तोड़ूं। मेरे सामने मोहन सिंह जी ने अपनी खामोशी कभी नहीं तोड़ी। इस खामोशी में एक अपनी आबरू थी जो कायम थी। और फिर एक दिन मोहन सिंह आए, उनके साथ फारसी के विद्वान कपूर सिंह थे। मेरा संकोच उसी प्रकार था जिसमें आदर भी सम्मिलित था, पर शायद कुछ रूखापन भी। अचानक कपूर सिंह जी ने कहा, मोहन सिंह, डोंट मिसअंडरस्टैंड हर, शी डज नॉट लव यू। तो चिरकाल की जमी हुई खामोशी कुछ पिघल गई। उस दिन मैं साहस करके कह सकी, मोहन सिंह जी, मैं आपकी दोस्त हूं, आपका आदर करती हूं, आप और क्या चाहते हैं? बड़े संकोच भरे शब्दों में मैंने केवल इतना कहा, और मेरे ख्याल से वो काफी था। मोहन सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, केवल बाद में एक छोटी सी कविता लिखी जिसमें वही शब्द दोहराए, मैं आपकी दोस्त हूं, मैं आपकी मित्र हूं, आप और क्या चाहते हैं? और आगे की पंक्तियों में लिखा, मैंने और क्या चाहना है। कुछ कहानियां सी फिर भी साहित्य में चलती रही, कई मौखिक, कई कुछ लोगों की रचनाओं में, संगीतों में, पर मोहन सिंह जी की ओर से जब तक ऐसी कोई रचना नहीं आई जो मुझे दुखा जाती, तब तक मेरी ओर से भी उनके आदर में कोई अंतर नहीं आया। एक साधारण सी घटना और हुई थी। लाहौर रेडियो के एक अफसर थे जिन्हें शायद साहित्य से कुछ लगाव था। एक बार मेरे एक ब्रॉडकास्ट के बाद अचानक बोले, अगर मैंने आज से कुछ बरस पहले आपको देखा होता तो या तो मैं मुसलमान से सिख हो गया होता या आप सिख से मुसलमान हो गई होती। ये शब्द अचानक हवा में उभरे और अचानक हवा में लीन हो गए। मेरा ख्याल है ये एक क्षण का जज्बा था जिसका ना पहले कोई क्षण इससे जुड़ता था ना आगे का। फिर उस दिन के बाद उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मैं आज तक नहीं जानती कि उस समय के वातावरण में उनके किसी भी एहसास की बात कैसे बिखर गई। शायद किसी के आगे स्वयं उन्हीं की जबानी और ना जाने किन शब्दों में कि बाद में इसका बहुत तोड़ा मरोड़ा हुआ जिक्र भी पड़ा। कई बार लगता है पंजाबी लेखकों के पास लिखने के लिए कोई गंभीर विषय नहीं होता, वो स्वयं ही कुछ अफवाहें फैलाते हैं, स्वयं ही उसको अपनी मर्जी से जिधर चाहे मोड़ते हैं और फिर उन्हें लिख लिख कर उनमें लज्जत लेते हैं। हाँ, वर्षों बाद जब मैंने दिल्ली रेडियो में नौकरी की तो वहां एक पंडित सत्यदेव शर्मा हुआ करते थे जो लाहौर रेडियो पर भी स्टाफ आर्टिस्ट थे और अब दिल्ली रेडियो पर भी स्टाफ आर्टिस्ट थे। उन्होंने हिंदी में कहानी लिखी 26 मैन एंड अ गर्ल। कहानी का शीर्षक उन्होंने गोरकी की कहानी से ही लिया, पर लिखा उस पुरानी घटना को और कहानी लिखकर मुझे सुनाई। बड़े साफ दिल के आदमी थे। उन्होंने बताया, लाहौर रेडियो पर तुम्हें नहीं मालूम कितने लोग तुम में दिलचस्पी लेते थे, खासकर वो आदमी भी, और हम सब स्टाफ के लोग महीनों तक एक फिक्र के साथ देखते रहे कि आगे क्या होगा, पर हुआ कुछ नहीं। शर्मा जी शायद ये कहानी कभी भी ना लिखते, पर मुझे देखकर उन्हें बरसों पुराना वो इंतजार याद आ गया जिसमें कुछ होने की संभावना से चिंतित रहते थे।
कहानी में स्टाफ के छोटे छोटे लोगों के कानों का जिक्र था, जो कुछ उड़ती हुई सुनने के लिए दीवारों से लगे रहते थे। कुछ सुनाई नहीं देता था तो हैरान बैठ जाते कि शायद कुछ हो ही चुका है पर कानों तक नहीं पहुंच रहा। शर्मा जी साधारण से लेखक थे, पर मेरा ख्याल है ये कहानी उनकी सबसे अच्छी कहानी थी। उन्होंने एक तनाव के वातावरण को पकड़ने की कोशिश की थी, पर अपनी ओर से पंजाबी लेखकों की तरह जबरदस्ती कोई नतीजा नहीं निकाला था। कहानी में एक ईमानदाराना सादगी थी। नफरत का एक दायरा, बात यह भी छोटी सी है पर बहुत बड़े नफरत के दायरे में घिरी हुई। ये भी मेरी साहित्यिक जिंदगी के आरंभिक दिनों की बात है, लाहौर की। पंजाबी के एक कवि थे जिनसे कभी भेंट नहीं हुई थी। पता लगता रहता था कि वो मेरे विरुद्ध बहुत बोलते हैं। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था, इसलिए चकित हुआ करती थी कि उन्होंने मेरी जात से कब की और किस बात की दुश्मनी है। फिर देश के विभाजन से कुछ समय पहले की बात है कि एक बार मुझे कुछ बुखार हो गया और एक साप्ताहिक के संपादक हाल पूछने के लिए आए। उनके साथ कोई और व्यक्ति भी था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने नाम बताकर परिचय करवाया तो मैं चौंक गई। ये वही थे जिन्हें मेरे अस्तित्व से भी नफरत थी। हैरान थी कि आज मेरा हाल पूछने क्यों आए। 2-3 दिन के बाद उसी साप्ताहिक में उनकी कविता पढ़ी, जिसके नीचे वही तारीख पड़ी हुई थी जिस तारीख को वो मिलने आए थे। और ये कविता अजीबोगरीब प्रेम की कविता थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नफरत के लिए कोई कारण नहीं था, उसी तरह उस जज्बे के लिए भी कोई कारण नहीं था। और फिर वो कुछ एक बार घर आए, हैरान होकर पूछा कि अचानक मेहरबानी क्यों, पर कुछ भी पकड़ नहीं आया। ये मानती हूं कि उनकी किसी बात में कोई शोखी नहीं थी, लेकिन एक कठोरता जरूर थी कि सब लोग घटिया हैं, मैं किसी से ना मिला करूं। यहां तक कि लाहौर रेडियो के लिए मैं जब साहित्य की समालोचना लिखा करती थी, वो आग्रह किया करते थे कि अमुक का नाम मत लिखना, अमुक की प्रशंसा मत करना, अमुक की पुस्तक का उल्लेख मत करना। इन साहित्यिक परिचय से जब सांस घुटने लगी तो मैं खींच उठी, पर यह तलखी अभी जबान पर आई ही थी कि देश का बंटवारा हो गया और मैं उनके परिचय से मुक्त हो गई। फिर कुछ वर्ष बाद सुना कि उनके विचार में हिंदुस्तान का बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उनकी दोस्ती नहीं चाही, और उनके विचार में हजारों मासूम लोगों का कत्ल भी इसीलिए हुआ। खैर, हिंदुस्तान के विभाजन का और मासूम लोगों के कत्ल का ये जो मुझ पर इल्जाम था, इसे कोई मनोविज्ञान का विशेषज्ञ भले ही समझ सके, मैं नहीं समझ सकती। और देखने में आया कि अब वो फिर मेरे विरुद्ध बोलते थे और मेरे विरुद्ध कविताएं लिखते थे। ये नफरत मानो एक गोल दायरा थी जिसका आखिरी सिरा फिर पहले सिरे से जुड़ना ही था। 1947, हमारे देश की तकसीम के वक्त जो हुआ, कल्पना में भी उस जैसा खूनी कांड नहीं आ सकता था। दुखों की कहानियां कह कहकर लोग थक गए थे, पर ये कहानियां उम्र से पहले खत्म होने वाली नहीं थी। मैंने लाशें देखी थी, लाशों जैसे लोग देखे थे, और जब लाहौर से आकर देहरादून में पनाह ली, तब नौकरी की और दिल्ली में रहने के लिए जगह की तलाश दिल्ली आई। और जब वापसी का सफर कर रही थी तो चलती हुई गाड़ी में नींद आंखों के पास फटक नहीं रही थी। गाड़ी के बाहर घोर अंधेरा समय के इतिहास के समान था। हवा इस तरह साय साय कर रही थी जैसे इतिहास के पहलू में बैठकर रो रही हो। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ दुखों की तरह उगे हुए थे। कई जगह पेड़ नहीं होते थे, केवल एक वीरानी होती थी, और इस वीरानी के टीले ऐसे प्रतीत होते थे जैसे टीले नहीं कब्रें हों। बारिश शाह की पंक्तियां मेरे जहन में घूम रही थी, भला मोए ते बिछड़े कौन मेले। और मुझे लगा बारिश शाह कितना बड़ा कवि था, वो हीर के दुख को गा सका। आज पंजाब की एक बेटी नहीं, लाखों बेटियां रो रही हैं, आज इनके दुख को कौन गाएगा। और मुझे वारिस शाह के सिवा और कोई ऐसा नहीं लगा जिसे संबोधन करके मैं ये बात करती। उस रात चलती हुई गाड़ी में हिलते और कांपते कलम से एक कविता लिखी। आज आखा वारिस शाह नू किते कबरां विच्चों बोल, ते आज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका खोल। एक रोई सीधी पंजाब दी तो लिख लिख मारे बैन, अज लखां धीआं रोन दिया तेनू वारिस शाह नू कहन। उठ दर्द मंदा दी दर्दिया, उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां बिछियां ते लहू दी भरी चिनाब। कुछ समय बाद ये कविता छपी, पाकिस्तान भी पहुंची। और कुछ देर बाद जब पाकिस्तान में फैज अहमद फैज की किताब छपी, उसकी प्रस्तावना में अहमद नदीम कासमी ने लिखा कि ये कविता उन्होंने जब पढ़ी थी तब वो जेल में थे। जेल से बाहर आकर देखा कि लोग इस कविता को जेबों में रखते हैं, निकाल कर पढ़ते हैं और रोते हैं।
फिर 1972 में लंदन गई तो वहाँ बीबीसी के एक कमरे में किसी ने पाकिस्तान की शायरा सहाब कज़लबाश से मुलाकात करवाई। सहाब के पहले शब्द थे, अरे ये तो अमृता हैं जिन्होंने वो कविता लिखी थी वारिस शाह, इनसे तो गले मिलेंगे। वहाँ ही एक शाम सुरेंद्र कोछड़ के घर पर महफिल थी जहाँ सहाब कज़लबाश थी और पाकिस्तान के और साहित्यकार थे, साकी फारूकी, फहमीदा रियाज और उदास नस्ले का लेखक अब्दुल्ला हसैन, और साथ ही पाकिस्तान के मशहूर गवैये थे नज़ाकत अली सलामत अली। रात कविताओं से भरी हुई थी, पर जब नज़ाकत अली ने से कुछ गाने के लिए कहा गया तो उनके पास साज नहीं थे, कहने लगे हमने आज तक बिना साज के कभी नहीं गाया। पर साथ ही बोले जिसने वारिस शाह कविता लिखी है आज उसके लिए बिना साज के भी गाएंगे, और वो रात नज़ाकत अली की सुरीली आवाज में भीग गई। अब 1975 में जब पाकिस्तान के मुल्तान शहर से एक साहित्यिक मशहूर साबरी उर्स के मौके पर दिल्ली आए तो उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से वो मुल्तान में जश्न वारिस शाह मनाते हैं जिसमें लोक गीतों का, लोक नृत्य का और लोक कला का प्रदर्शन भी होता है और मुशायरा भी, और ये जश्न मेरे उस नज्म वारिस शाह से शुरू किया जाता है। वो 100x80 फुट के स्टेज पर सेट लगाते हैं जहाँ रांझे का वन भी होता है, हीर का मुकाम भी, और ये नज्म करीब 25 मिनट गाई जाती है। स्टेज पर खूब अंधेरा करके एक रोशनी से धुआं दिखाते हैं, फिर वारिस शाह कब्र में से उठता है। पाकिस्तान के मशहूर कवैये एक एक कड़ी गाते हैं और उन्हीं के मुताबिक स्टेज के दृश्य बदलते जाते हैं, और जब नज्म का आखिरी हिस्सा आता है तो ऐसी गूंज पैदा करते हैं जैसे सारी कायनात में मोहब्बत और खुलूस जाग पड़ा हो। पर यही कविता थी, जब लिखी थी तब अपने पंजाब में कई पत्र पत्रिकाएं मेरे लिए तोहमतों से भर गई थी। सिखों को ये आपत्ति थी कि यह कविता वारिस शाह को संबोधन क्यों की, गुरु नानक को संबोधन करके लिखना चाहिए था, और कम्युनिस्ट कहते थे कि मैंने लेनिन या स्टालिन को संबोधन करके क्यों नहीं लिखी। यहाँ तक कि इस कविता के विरुद्ध कई कविताएं लिखी गईं।